पास जो है वो इसका एक्टोडर्मल पोर्शन है जो आउटसाइड है, और ये इसका एंडोडर्मल पोर्शन है जो फेरिंग्स के अराउंड है। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। अब आपने बताना है कि ये जो इसके अंदर मीजेनकाइम पड़ा हुआ है इसकी डेरिवेटिव्स क्या हैं। तो मीजेनकाइम के लिए आपने बताना है कि ये जो मीजेनकाइम है, एक तो ये पेरेक्सियल मीजोडर्म से डराइव हुआ है, दूसरा ये लेटरल ट्रेट मीजोडर्म से डराइव हुआ है। ठीक है, लेकिन इन दोनों मीजेनकाइम के अलावा ये जो मीजेनकाइम है ये न्यूरल क्रस्ट सेल से भी आता है। न्यूरल क्रस्ट सेल्स अगेन क्या है कि एक्टोडर्मल लेयर से जब हमारे पास न्यूरल ट्यूब बनती है तो वहां से माइग्रेट करके आ जाते हैं। और इन न्यूरल क्रस्ट सेल्स का क्या काम है, यहाँ पे इन न्यूरल क्रस्ट सेल्स का काम है कि ये स्केलेटल बनाते हैं फेस का। ठीक है, स्केलेटल कंपोनेंट जो है फेस के वो ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स बनवाएंगे, जबकि जो पेरेक्सियल मेसोडर्म है और लेटरल मेसोडर्म है जो यहां पे पहले से थे, उन्होंने क्या बनाना है, मस्कुलेचर कंपोनेंट बनाना है। इसका मतलब है हर आर्च के पास अपना मस्कुलेचर कंपोनेंट होगा, अपने मसल्स होंगे। सिर्फ अपना मस्कुलेचर कंपोनेंट नहीं होगा बल्कि हर आर्च के पास अपना आर्टेरियल कंपोनेंट भी होगा और अपनी नर्व भी होगी, जो हम अभी आप डिस्कस करेंगे। तो इससे आपको पता चलता है कि एक आर्च के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये आना चाहिए कि उस आर्च के मसल्स क्या हैं, ये पता होना चाहिए कि उस आर्च से कौन सी बोन्स बन रही हैं फेस की, और उसकी आर्टेरियल सप्लाई और जो उसका नर्वस कंपोनेंट है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फेरिंजियल आर्च की। ठीक है जी, फर्स्ट फेरिंजियल आर्च में आप उसको डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना है, बोनी कंपोनेंट भी बताना है और जो मस्कुलर कंपोनेंट है यानी जो उसके अपने मीजेनकाइम से यानी लेटरल और पेरेक्सियल मीजेनकाइम से जो ऑलरेडी वहां पे पड़े हुए थे माइग्रेट करके नहीं आए, उनसे जो बनेगा मस्कुलर कंपोनेंट उसमें कौन कौन से मसल्स हैं। बोनी कंपोनेंट की अगर बात करेंगे तो आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट फेरिंजियल आर्च दो प्रोसेसेस में डिवाइड हुई भी होती है। ठीक है, कौन से दो प्रोसेसेस में डिवाइड होती है, एक हमारे पास होता है मैक्सिलरी प्रोसेस और दूसरा हमारे पास क्या होता है, मैंडिब्यूलर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा, मैक्सिलरी प्रोसेस होगा और दूसरा क्या होगा, मैंडिब्यूलर प्रोसेस होगा। ठीक है जी, अब इस मैक्सिलरी प्रोसेस ने कौन कौन सी बोन्स बनानी है, इसमें होती है ऑसिफिकेशन, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, और इसने कौन कौन सी बोन बनानी है, इसने बच्चों हमारे पास बनानी है मैक्सिला। ठीक है, प्री मैक्सिला और मैक्सिला, प्री आप लिख लें, एक प्री मैक्सिला बनती है, एक मैक्सिला बनती है, उसके बाद हमारे पास टेम्पोरल बोन का कुछ पार्ट बनता है और जाइगोमेटिक बोन बनती है। ठीक है, तो इस तरह से जो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च होगी उसका जो बोनी कंपार्टमेंट है फर्स्ट फेरिंजियल आर्च के मैक्सिलरी प्रोसेस से क्या राइज हो गया, प्री मैक्सिला, मैक्सिला, टेम्पोरल बोन एंड जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, अब मैंडिबुलर प्रोसेस की बात करते हैं। मैंडिबुलर प्रोसेस में आपने याद रखना है कि इसके पास मिक्कल कार्टिलेज होती है और इस मिक्कल कार्टिलेज के इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारा मीजेनकाइम होता है, उस मीजेनकाइम से हमारे पास मैंडिबल बनती है। तो फेस की जो मेन बोन्स हैं फेशियल स्केलेटन की, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, टेम्पोरल, वो तो बन गई, ये मिक्कल कार्टिलेज ज्यादातर डिसअपियर होता है। इसमें भी आपने याद रखना है ये इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन हुई है, मिक्कल कार्टिलेज ज्यादा डिसअपियर हो जाता है लेकिन इसका जो कुछ डॉर्सल पोर्शन होता है वो रह जाता है, और वो डॉर्सल पोर्शन सेकंड फेरिंजियल आर्च के साथ मिलके ना ऑसिकल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से कौन सी ऑसिकल्स डेवलप होती है, तो ये आपने याद रखना है, एंकस और मेलस। ठीक है, कौन सी डिराइव होती है, एंकस और मेलस। इसके अलावा भी इसकी बोनी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, उन बोनी कॉन्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक्सटर्नल ईयर के कुछ पार्ट आते हैं, जैसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस और जो टेम्पनिंग मेम्ब्रेन है ये एक्सटर्नल ईयर का कुछ पार्ट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इसके फर्स्ट दोनों आर्चेस से क्या बनते हैं, फेशियल स्केलेटल बन रहा है, साथ ही साथ जो एक्सटर्नल ईयर है उसके भी कुछ कंपोनेंट्स यहां से बनते हैं। अब मस्कुलर कंपोनेंट की बात करेंगे जो मीजेनकाइम से राइज होंगे, तो सबसे पहले तो आपने याद रखने हैं मैस्टिकेशन के मसल्स। कौन से मसल्स आते हैं इसमें से, मैस्टिकेशन के मसल। मैस्टिकेशन के तीन ही मसल्स होते हैं, टेम्पोरलिस होता है, मैस्टर होता है और टेरिगॉइड होते हैं। एक मेरा ख्याल है लेटरल टेरिगॉइड होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, मीडियल टेरिगॉइड। तो मैस्टिकेशन के मसल्स फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से डराइव होते हैं। उसके अलावा डाइगेस्ट्रिक मसल होता है, उसकी जो इंटीरियर बैली है, ठीक है, इंटीरियर बैली जो है डाइगेस्ट्रिक मसल की, वो भी यहां से डराइव होती है। अब जो मसल की डिटेल है ये हम फेशियल मसल जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो डाइगेस्ट्रिक बैली जो है, सॉरी, इंटीरियर बैली जो है डाइगेस्ट्रिक मसल की, वो भी यहां से ही आती है। और इसके अलावा ईयर के दो मसल्स है, क्योंकि ईयर का पार्ट बना रहा है तो ईयर के मसल्स भी तो बनाएगा। तो ईयर के दो मसल्स होते हैं, टेंसर टेम्पेनाए और टेंसर प्लेटेनी, टेंसर टेम्पेनाए और टेंसर प्लेटेनी। तो ये इसके सारे के सारे बच्चों मस्कुलर कंपार्टमेंट हैं। आपको अब पता मतलब आपको समझ आ गई है कि एक आर्च के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक इसकी आर्टीरियल सप्लाई मतलब आर्टीरियल कंपोनेंट होता है, एक इसका नर्वस कंपोनेंट होता है और बाकी सारा का सारा मीजेनकाइम होता है। उस मीजेनकाइम में से हमारे पास क्या बननी है, बोन्स भी बननी है और उस मीजेनकाइम में से हमारे पास मसल्स भी बनने हैं। वो मीजेनकाइम जो पेरेक्सियल मेसोडर्म से और लेटरल मेसोडर्म से आया है उससे मसल्स बने, और वो मीजेनकाइम जो कहां से आया है, न्यूरल क्रस्ट सेल से आया है, उससे बोनी कंपार्टमेंट बनेंगे। अब जो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च थी उसके हमने बोनी कंपार्टमेंट भी डिस्कस कर लिए, जो फेस रिलेटेड भी थे और ईयर रिलेटेड भी थे। इसी तरह हमने उसके मस्कुलर कंपोनेंट भी डिस्कस किया, जो कि फेस रिलेटेड भी था यानी मैस्टिकेशन के मसल्स थे या इंटीरियर बैली थी डायगेस्ट्रिक की, और ईयर रिलेटेड मसल भी थे टेंसर टेम्पेनाए और टेंसर प्लेटेनी। ठीक है, मसल्स तो हो गए और बोनी कंपार्टमेंट भी हो गया। थर्ड बात आती है हमारे पास नर्वस सप्लाई। तो जो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च की नर्व सप्लाई है वो दो पार्ट में डिवाइड हुई है, एक हमारे पास मोटर सप्लाई है
और एक हमारे पास सेंसरी सप्लाई है। ठीक है जी, क्रेनियल नर्व में हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व होती है, सॉरी फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है जिसे हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है जिसे हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। और इस फिफ्थ क्रेनियल नर्व के तीन कंपोनेंट होते हैं, उनमें से जो V2 कंपोनेंट है यानी जो मैंडिबुलर ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की, वो सप्लाई करेगी किसको, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के मसल्स को। ठीक है, और सेंसरी सप्लाई कौन प्रोवाइड करेगा, इसी फिफ्थ क्रेनियल नर्व की तीनों ब्रांचेस। ठीक है, V1, V2 और V3 यानी ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर और मैक्सिलरी, तीनों ब्रांचेस जो हैं ट्राइजेमिनल की वो सेंसरी सप्लाई प्रोवाइड करेंगी किसके लिए, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल आर्च खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड फेरेंजियल आर्च की, वो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आसान है। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स ही ज्यादा थे, सेकंड फेरेंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स में भी बच्चों अगेन आपको दो चीजें याद रखनी है, एक आपको बोनी कंपोनेंट लिखना पड़ता है और एक आपको मस्कुलर कंपोनेंट लिखना होता है। ठीक है जी, बोनी कंपोनेंट में आप इसको थोड़ा एस से ही याद रख ले क्योंकि सेकंड फेरेंजियल आर्च है और इसको हम हाइड आर्च भी कहते हैं। तो इसने क्या बनाना है, इसने हमारे पास बनानी है स्टेपिस जो कि एक ऑसिकल है, उसके बाद स्टाइलोहॉइड जो है वो लिगामेंट बनाना है, इसको आप ऐसे याद रखें। और तीसरी बात इसने क्या बनानी है, इसने हमारे पास स्टाइलाइड प्रोसेस बनाना है टेम्पोरल बोन का। ठीक है, एक स्टाइलाइड प्रोसेस बनाना है किसका, टेम्पोरल बोन का। ये तो हो गई तीन एसएस वाली बोन, उसके अलावा इसको हम हाइड आर्च भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास हाइड बोन का भी कुछ कंपोनेंट बनाती है। ठीक है, ये और थर्ड फेरेंजियल आर्च मिलकर हाइड बोन का क्या बनाएगी, उसकी बॉडी का अपर पार्ट। ठीक है, उसकी बॉडी का अपर पार्ट और उसके अलावा उसका लेसर हॉर्न। ठीक है, लेसर हॉर्न बनाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके मस्कुलर कंपार्टमेंट। तो मस्कुलर कंपार्टमेंट में यहाँ पे क्योंकि इंटीरियर बैली यूज हुई थी डायगेस्ट्री की फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में, तो ये बनाता है, एक तो आपने याद रखना है पोस्टीरियर बैली किसकी, डायगेस्ट्रिक की। पोस्टीरियर बैली किसकी बनाएगा, पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगेस्ट्रिक। और उसके अलावा इसके बनाने हैं फेशियल मसल्स, कौन से मसल्स बनाने हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के जितने भी मसल्स हैं वो बनाने हैं। और इन फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स की डिटेल आप फेशियल मसल्स में ही पढ़ेंगे, और इन दोनों के नाम पे भी मसल होगा स्टेपीडियस और स्टाइलोहॉइड। ठीक है, तो इस तरह आप इसको थोड़ा को रिलेट करके आप इसको याद करेंगे, स्टेपीडियस और स्टाइलोहॉइड। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड फेरेंजियल आर्च के सारे डेरिवेटिव्स, और इसको सप्लाई करेगी क्योंकि फेशियल मसल्स जो हैं वो इसमें प्रोमिनेंट हैं, तो इसको सप्लाई करती है फेशियल नर्व। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की जो सप्लाई थी वो ट्राइजेमिनल नर्व थी, सेंसरी के लिए एक ब्रांच थी और मोटर के लिए एक ब्रांच थी, और सेंसरी के लिए तीनों ब्रांचेस थी, जबकि सेकंड फेरेंजियल आर्च कहाँ से आती है, वो आती है फेरेंजियल नर्व से आती है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे किसकी, थर्ड फेरेंजियल आर्च की बात करेंगे, तो थर्ड फेरेंजियल आर्च में आपने याद रखना है कि हाइड बोन का जो पार्ट रह गया है वो ये बनाएगा, यानी कि बॉडी का अपर पार्ट तो बना लिया था किसने, सेकेंड फेरेंजियल आर्च ने, तो उसी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो हमारे पास बनाएगी थर्ड फेरेंजियल आर्च, और साथ ही साथ लेसर हॉर्न उसने बना लिया था, तो ये क्या बनाएगा उसकी, थर्ड फेरेंजियल आर्च क्या बनाएगी, ग्रेटर हॉर्न बनाएगी हाइलाइट हाइड बोन का। और जो इसका मसल है वो भी सिर्फ एक ही मसल है जिसको हम कहते हैं ग्लॉसोफेरेंजिसस, ठीक, सॉरी स्टाइलोफेरेंजिसस, क्या कहते हैं इसके मसल को, स्टाइलोफेरेंजिसस कहते हैं। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। नर्व सप्लाई आपने बहुत ज्यादा याद रखनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में पूछी जाती है। ठीक है जी, थर्ड हो गया। फोर्थ वाली जो फेरेंजियल आर्च होती है और जो सिक्स होती है वो आपस में थोड़ा मर्ज करके ही कुछ कार्टिलेजेस और मसल्स बनाती हैं। जहां तक फिफ्थ की बात है तो फिफ्थ रिडिमेंट्री होती है, वो अपीयर होती है लेकिन बहुत जल्दी वो हमारे पास डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, उसका कोई ऐसा पार्ट नहीं है। तो जो फोर्थ है और सिक्स है ये दोनों मिलके कुछ कार्टिलेजेस बनाती हैं। ठीक है, कुछ कार्टिलेजेस बनाती हैं हमारे पास, उन कार्टिलेजेस में हमारे पास आ जाती हैं, दोनों की फ्यूज होती हैं। तो कौन सी, कुछ हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज बनती है, ठीक है, उसके अलावा रेटिनॉइड कार्टिलेज बनती है।